सो गाइस, अभी तो आपने वीडियो देखी, इस टाइप की वीडियो जो कोई भी इंस्टाग्राम पे बना रहा है उसकी वीडियो जो वायरल हो रही है ना, आप भी बना के अपने वीडियोज़ को वायरल करवाना चाहते हो तो गाइस इस टाइप की वीडियो बनाना एडिट करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है ना, कुछ ही मिनटों में आप एडिट कर सकते हो। एंड बनाने के लिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर से VN एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है गाइस। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों आपको जाना प्लस वाला आइकन पर, फिर जाना आपको न्यू प्रोजेक्ट पर एंड आपको अपनी फोटोज वाले सेक्शन पर जाके अपनी फोटोज को सिलेक्ट कर लेना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने एक फोटो को सिलेक्ट कर लिया गाइस, एंड आपको भी अपनी फोटोज को सिलेक्ट कर लेना एंड ऊपर ओरिजिनल पर जाके आपको यहाँ पर 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना। एंड गाइस आपको स्क्रॉल करके पीछे का ब्लैक पार्ट को डिलीट कर देना एंड अपनी फोटोज़ को गाइस अपनी ऑडियो के अकॉर्डिंग आपको लेंथ इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। एंड ऑडियो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। एंड फिर जाना यहाँ पर साउंड वाला ऑप्शन पर एंड जहाँ पर भी आपका साउंड पड़ा हो वहाँ पर आपको साउंड को ले लेना। सो गाइस मैं यहाँ पर एक साउंड इम्पोर्ट कर देता हूँ। मैं मेरे फोटो पर ये वाला साउंड यहाँ पर शूट हो रहा है तो मैं इस फोटोज़ को यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पर मैंने फोटोज़ को ऐड कर दिया है गाइस, मैं इसको थोड़ा लेंस को जितना और तो यहाँ तक हमारे साउंड है तो साउंड के हिसाब से आपको फोटो को कर देना है ट्रिम एंड बाकी के पार्ट को कर देना है डिलीट। सो अभी मैं इसको प्ले करके एंड बीट के हिसाब से फोटो को स्प्रेड करूँगा। सो यहाँ पर आएगा एंड यहाँ पर मैं फोटो को सिलेक्ट करूँगा, स्प्लिट करूँगा, यहाँ पर कर दिया कट एंड अब बारी हमारा ब्लर इफेक्ट को ऐड करने की। तो इसके लिए दोस्तों आपको जाना है फर्स्ट वाले पार्ट पर एंड आपको जाना है यहाँ पर इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर जाना है ब्लर वाले ऑप्शन पर एंड यहाँ पर एक मिलेगा ब्लर का, ठीक है। सो इसको मैं कर दूँगा यहाँ से पूरा फुल एंड फुल करने के बाद हमारा कुछ इस टाइप का। सो यहाँ पर मैं इसका वॉल्यूम थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि मैं बोलूँ तो आपको सुनाई दे। सो यहाँ पर हमारा इफेक्ट को इस टाइप से आएगा एंड यहाँ पर एक प्लस वाला आइकन है, यहाँ पर आप उस इफेक्ट को ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब बाकी है दोस्तों 3 मिरर वाली लाइनिंग, ठीक है। तो 3 में कलर कन्वर्ट करने के लिए जाना आपको दूसरी लेयर को सिलेक्ट कर लेना, इफेक्ट्स पर जाना है, यहाँ पर स्क्रॉल करोगे तो आपको जाना स्प्लिट वाले ऑप्शन पर एंड देन आपको यहाँ पर मिलेगी इस टाइप का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर हो गया एंड इसको कर देना, इस टाइप फुल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो हमारा इफेक्ट कुछ यहाँ पर इस टाइप से इतना रेडी हो गया है। सो गाइस आप देख सकते हो। सो अभी ये नॉर्मल हुआ है, अब बाकी ये और फिल्टर लगाने के, तो उसके लिए दोस्तों आपको कर लेना यहाँ से एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने के बाद दोस्तों आपको फिर ये वीडियोस को इंपोर्ट कर लेना है। सो गाइस वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद फिर से आपको सेम वीडियो को आपको इंपोर्ट कर लेना VN में। सो मैंने यहाँ पर ये अभी जो एक्सपोर्ट किया है वीडियो उसको सिलेक्ट किया। सो यहाँ पर गाइस हमारा वीडियो इंपोर्ट हो गया है। सो आप देख सकते हो एंड बाकी के इफेक्ट लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जितने इफेक्ट लगाना है सबसे पहले आपको कट कर लेना है। सो गाइस मैंने एक यहाँ तक लगाना चाहता हूँ तो स्प्लिट करूँगा, फर्स्ट वाले फोटो को फिर सेलेक्ट करूँगा, इफेक्ट्स पे जाऊँगा एंड अपने हिसाब से बहुत सारे आपको इफेक्ट मिल जाएंगे आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर ग्लिच में जाके कुछ ग्लिप वाला इफेक्ट लगाता हूँ। सो यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मिल जाएंगे। सो एक मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ फुल तक, तो यहाँ पर मैंने एक ये वाला लगा लिया, दूसरे वाले पार्ट में सेलेक्ट करूँगा, इसको भी जहाँ तक रखना चाहता हूँ मैं इस पर करूँगा स्प्लिट सेलेक्ट एंड और भी इफेक्ट यहाँ पर लगा सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से लगा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ फुल। सो यहाँ पर हमारा कुछ इस टाइप से बना वीडियो। सो अब गाड़ी है ऊपर जाऊँगा इफेक्ट्स एंड यहाँ पर मैं बीएससी की वेट। सो यहाँ पर मैं इस टाइप से कुछ ट्रांजेक्शन लगाना चाहता हूँ। सो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे डिफरेंट टाइप के, आपको लगा सकते हो जो अपने दिमाग लगा कुछ भी लगा सकते हो गाइस, ठीक है। वीडियो को अच्छा बनाने के लिए आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर ये वाला मेरे को अच्छा लग रहा था तो इसको मैंने थोड़ा इंक्रीज कर दिया डन एंड यहाँ पर जहाँ तक है इसको मैंने कर दिया स्प्लिट एंड फिर से सेलेक्ट करूँगा इफेक्ट्स वाले जाके। आप जितने चाहो उतने इफेक्ट लगा सकते हो, बस आपको स्प्लिट करना पड़ेगा फोटो को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इतना कर दिया एंड डन। सो मैं फिर से यहाँ पर कर देता हूँ स्प्लिट एंड एक लास्ट इफेक्ट मैं अप्लाई कर देता हूँ ताकि हमारी वीडियो फाइनली रेडी हो जाएगी। सो यहाँ पर मैं रोटेशन में जाके यहाँ पर ये वाला इफेक्ट ऐड कर रहा हूँ। सो डन एंड पीछे एक ब्लैक पार्ट है इसको कर देना डिलीट। सो हमारी फाइनली वीडियो रेडी हो गई है। सो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइस हमारी वीडियो रेडी हो गई है गाइस। अब लाइट इफेक्ट ऐड करना चाहते हो तो प्लस वाले जाके एंड यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लाइट। सो आप इस टाइप पे लाइट इफेक्ट ऐड कर सकते हो, जहाँ जहाँ पर प्लस आइकन में है वहाँ पर जाके आप लाइट इफेक्ट को ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर लाइट इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। सो एंड गाइस यहाँ से कर देना आपको वीडियो को सेव। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर देना। मिलते ही ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।